अंबेसडर ऑफ इंडिया टू यूएसए श्री विनय क्वात्रा जी, मिस श्री प्रिया रंगनाथन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एम्बेसी ऑफ इंडिया, श्री समीर कुमार सिन्हा डीजी एक्विजिशन और मेरे प्यारे भारतवासी बहनों एवं भाइयों, जब भी दुनिया के किसी विदेश में जाता हूं तो स्वाभाविक रूप से वहां जितने इंडियन डायस्पोरा के लोग होते हैं उनके साथ मिलना होता है और मिलकर बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। लगता है जैसे परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। और मुझे जानकारी दी गई कि जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था उससे ज्यादा लोग आ जाए हैं। इसका मतलब कि यहां रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं, भारतवंशी हैं, उनकी भी स्वाभाविक इच्छा रहती है उनके देश से यदि कोई आया है उनसे मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए, ये स्वाभाविक है। और जब सामूहिक रूप से हम यहां मिल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सबकी यह इच्छा होगी कि हम यह जाने कि इस समय भारत में हो क्या रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों के अंदर हर प्रकार की अवेयरनेस है और हर प्रकार की अवेयरनेस में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी शामिल है। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी आप सबको अच्छी तरह से रहती है। लेकिन फिर भी हर देश में कुछ न कुछ नई गतिविधियां होती रहती हैं। बहनों भाइयों, हम सब इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेशनल कमिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या है। यह भारत की हैसियत नहीं है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि होगा आपको भारत के बारे में, तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनका यह परसेप्शन होगा, इसलिए बोल रहे हैं भारत और दुनिया का ताकत प्रदेश है। इकॉनमी के जहां तक सवाल है, पहले भारत की इकॉनमी फ्रेजाइल फाइल में खड़ी थी, आज हम फेबुलस फाइल में आकर खड़े हुए। ये मॉर्गन स्टेनली फर्म कहां की है, बात है यूएसडी है, मॉर्गन स्टेनली ये फाइनेंशियल फर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्गन स्टेनली इसका दावा है कि 2027 आते आते भारत को की इकॉनमी को दुनिया की टॉप थ्री कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता। ये उन्होंने कहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत क्या स्थिति है। और इसमें भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। अब कोविड की क्राइसिस थी, कोविड की क्राइसिस यहां भी रही होगी, आप लोगों को भी काफी परेशानी हुई होगी। अब कोविड की क्राइसिस में मैं समझता हूं कि अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश, इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल कंट्री, यहां भी क्राइसिस पैदा हुई होगी, इकॉनमी के समक्ष बड़े चैलेंजेस खड़े हुए होंगे, भारत में भी हुई। लेकिन उसका मुकाबला हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस ताकत के साथ किया है बहनों भाई, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। भारत की इकॉनमी पर कोविड की क्राइसिस का जो एडवर्स इंपैक्ट होना चाहिए वो नहीं होने दिया।
और हमारी इकॉनमी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इन 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में हमारी गवर्नमेंट ने कामयाबी हासिल की। हम लोगों का लक्ष्य है कि आगामी 5 से लेकर 10 वर्ष के अंदर भारत में गरीब नाम का एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचना चाहिए, जिसे गरीब कहा जाए। यह हम लोगों की कोशिश हो रही है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन का यहां तक प्रश्न है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी भारत में दूसरी कंट्रीज को यदि देखेंगे तो उनके कंपेरिजन में यह काफी कम है। और जुलाई में जो आंकड़े आए हैं उसमें तो रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 3.54% दर्ज की गई है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन अब अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं कि महंगाई का असर थोड़ा बहुत जरूर आप लोगों के ऊपर भी अमेरिका में भी हुआ होगा, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यह भी किसी कंट्री की इकॉनमी की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, इसको यह बताता है। पहले हमारे यहां क्राइसिस थी, आज हमारा $675 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर यह हमारा फॉरेक्स बोलते हैं वो पहुंच चुका है। और एक्सपोर्ट भी हमारे देश में जिस तरीके से हो रहा है वह आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, पहले जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस रिलेटेड जितने भी आइटम्स हुआ करते थे हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। इंडियन डायस्पोरा के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं जिस हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय भारत का डिफेंस रिलेटेड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट होता था वो 600 करोड़ होता था। आज 10 वर्षों के अंदर हम मोर देन मैंने 21,000 करोड़ तो कहते हैं लेकिन मैं जानता हूं 23,000 करोड़ पहुंच गया। अब ये कहें कैसे हुआ, विल पावर चाहिए। आधा काम तो केवल विल पावर से होता है और आधा काम पॉलिसी से होता है, प्लानिंग से होता है। विल पावर में हो तो आपकी पॉलिसी प्लानिंग सारी धरी रह जाएगी, जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने मोर देन 5,000 एडे आइटम्स की एक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाई है, पॉजिटिव रूप का नाम दिया है इंडिजनाइजेशन लिस्ट। यह आइटम्स किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरों से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, यह सारे आइटम बनेंगे भारत में, बनेंगे भारतवासियों की आंखों से, बनेंगे भारत की धरती पर ही बनेंगे। तय कर दिया है, अब भारत में बन रहे हैं। तो पहले इंपोर्ट किए जाते थे, अब उनका इंपोर्ट नहीं हो रहा है। सरकारें काम कैसे करती हैं? अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करने के लिए हमारी सरकार ने एक काम किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहां जो 40,000 कंप्लायंसेज जो थे जिनके कारण कि किसी काम को होने में कठिनाई होती थी, विलंब होता था, ऐसे 40,000 कंप्लायंसेज को समाप्त कर दिया अथवा उसे सिंप्लीफाई कर दिया। बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बटने चुन लेकर वो बढ़ेगी। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है कि भारत में यह परिवर्तन आपको आज देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस पहले जो लोगों को प्राप्त होते थे तो मिनिमम 600 डेज लगते थे, और मैं जानता हूं कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने में केवल 600 डेज नहीं, इससे भी ज्यादा समय लगता।
आज आपको कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है तो विद इन 75 डेज आपको मिलकर रहेगा। सिस्टम में इस तरीके का बदलाव आया है। स्टार्टअप्स की संख्या जो है मनी गवर्नमेंट आने के पहले भारत में 400-500 यही हुआ करते थे, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में स्टार्टअप की संख्या मोर देन 1,20,000 हो गई। और यूनिकॉर्न्स को यदि देखें जिनकी की पूरी वैल्यूएशन सब मिला लीजिए सब चीजों की लगभग $1 बिलियन के आसपास होती है, मुझे उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न का नंबर देखें तो वह इस समय भारत में अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास तो भी पहुंच गया है। मोबाइल तो सामर्थ्य हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से बराबर भारत में इंपोर्ट करते थे। अब पहले भाई आपको जानकर खुशी होगी अब मोबाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के हम दूसरे देश बन गए। ऑप्टिकल फाइबर का जहां तक सवाल है, 2 लाख से अधिक गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर को 2 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। इन सब सारी चीजों की फ्लेचर चल रहा 5G कनेक्टिविटी का सवाल ये है। 5G कनेक्टिविटी लगभग अधिकांश गांवों तक पहुंच गई है, कुछ गांव से बचे हैं वहां पहुंच जा रही है, पहुंच जाएगी। अब हम 6G को रोल आउट करने की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दिया है। अभी स्मार्टफोन छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चर्चा करने लगे, स्मार्टफोन को समझने लगे क्या होता है। पहले तो भारत में सभी जितने स्मार्टफोन होते थे सब जो है इंपोर्ट होते थे, और पहले स्मार्टफोन का भारत से कुल एक्सपोर्ट जो होता था वो $16.5 बिलियन का। हाँ, पहले दुनिया के दूसरे देशों से लेते थे, अब जो हम एक्सपोर्ट करने लगे $6.5 बिलियन का, जो इसके पहले फाइनेंशियल ईयर में लगभग $12 बिलियन था। ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन में तो भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। दुनिया में जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका मोर देन 46% डिजिटल ट्रांजेक्शन कहीं होता है तो हमारे और आपके देश भारत में होता है। '23-24 फिस्कल ईयर में लगभग 131 बिलियन UPI ट्रांजेक्शन हुए हैं, और अभी July 2024 में लगातार तीसरे महीने भी 20 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का ट्रांजेक्शन हुआ है। डिजिटल क्रांति को देखते हुए जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 70th सेशन को संबोधित करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष मिस्टर डेनिस फ्रांसिस ने कहा था, भारत में आई मोबाइल क्रांति ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। देखिए भारत के बारे में कितना उत्साहित नहीं बढ़ाना चला कर नहीं है, चेंज परिवर्तन हुआ है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं और आगे यह सिलसिला जारी है। अब मैं हमारे यहां की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, अब एक सज्जन ने मिस्टर रिक्रूटमेंट एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसे रेंट स्टार्ट कहते हैं, उसके मुताबिक अगले 5 वर्षों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग का साइज अगले 5 साल में ही 2 गुना होने जा रहा है, और इसके कारण 25 लाख से लेकर 50 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ये सब तरह तरह के आंकड़े हैं। अब 5 साल के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने करिश्मा और किया है, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना होता था वो बढ़कर 11 लाख करोड़ से मतलब 5 गुना 6 गुना अधिक हो गया है, 5 गुना 5.5 गुना अधिक हो गया है।
देखा जाए तो आंकड़े तो मित्रों बहुत सारे हैं और डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सब मिला जुलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आप ये पूछे कि आप लोग कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो धनवान भी हो, ज्ञानवान भी हो और बलवान भी हो। और मैंने भाई इतना मैं कहना चाहूंगा, भारत और अमेरिका का जहां तक सवाल है, हम लोग ये नेचर ले रही है भारत और अमेरिका, ये बड़े पुराने रिश्ते हैं हम लोगों के। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, यह नियत को यानी डेस्टिनी को भी मंजूर है। मैं अब मैं डेस्टिनी की बात करता हूं, अभी बैठे थे आपके अम्बेसडर विनोद गुप्ता जी भी बैठे, तो वहां पर भी मैं डेस्टिनी की ही बात कर रहा था। तो मुझे लगता है कि पहले से ये डेस्टिनी को मंजूर है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बराबर मजबूत रहने चाहिए और उसी डेस्टिनी के अनुरूप ही भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों के मिला जुलाकर वह ताकत है कि भारत में, दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी तीनों यदि लाई जा सकती है तो भारत और अमेरिका मिलकर इस काम को कर सकते हैं। और मैं तो यह कहूंगा कि हम भारतवासी हैं, आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करिए, भारत के प्रति निष्ठा रहनी ही चाहिए। लेकिन अमेरिका में यदि काम कर रहे हैं तो अमेरिका के प्रति भी निष्ठा में कहीं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। तभी जाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के लोगों के प्रति अच्छी धारणा बनेगी, भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। दगा देना हमारे चरित्र में नहीं है, धोखा देना हमारे चरित्र में नहीं है। हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा दे नहीं सकते हैं, यह हमारे यह हमें से जाना चाहिए। सारी दुनिया हम लोग ऐसे देश रहने वाले हैं, ऐसा देश जिसने कि सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम जिस देश में रहते हैं वही हमारा परिवार नहीं है, बल्कि इस विश्व की धरा पर रहने वाले लोग, चाहे किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सभी एक ही परिवार के संदेश के सदस्य हैं। होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश केवल भारत से गया है और कहीं किसी से गया। और यह काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जो स्पिरिचुअल होगा, जो कंट्री स्पिरिचुअल होगी वही इस काम को कर सकती है। अब आप कहेंगे कि आप स्पिरिचुअलिज्म को उठाकर कहां ले आए, पूजा पाठ अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म इसका क्या लेना देना। मित्रों मैं स्पिरिचुअलिज्म की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि छोटे मन का व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। पूजा करेंगे, अपने लिए परमात्मा से कुछ मांग ले, यह तो हो सकता, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है छोटे मन का व्यक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं। और मैं अपनी सारी जिंदगी उनके जाने के बाद भी बराबर एक कोट अपने हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में भी देखेंगे, मैं होम मिनिस्टर था उस समय भी था, मैं पार्टी प्रेसिडेंट था उस समय भी, हमारे यहां यह कोट लगता, भारतवासियों का मन बड़ा है, मैंने छोटे मन के लोग नहीं है।
छोटे मन के लोग होते तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पर रहने वाले सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, यह संदेश हम दे ही न पाते। यह संदेश हम इसलिए दे पाए क्योंकि हम लोग बड़े मन के लोग हैं। अब बड़े मन का व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, जैसे जैसे मन बड़ा होता जाता है मनुष्य वैसे वैसे ही ज्यादा सुख की प्राप्ति करता जाता है, आनंद की प्राप्ति करता जाता है। अब मन यदि बहुत बड़ा हो जाता है तो परमात्मा की भी प्राप्ति कर लेता है। अब यह बात मैंने कही, यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में से कहना हो तो इस प्रकार कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति। जितना मन बड़ा करते हैं, कुछ लोग इतने छोटे मन की आपने देखा होगा, बराबर इधर उधर ये वो इस चक्कर में लगे रहते। बहनों भाइयों, ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप अमेरिका में हैं, भारत के नागरिक हैं, अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, तो बड़े मन से काम करिए। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत के लोग छोटे मन वाले होते हैं। विश्व का ज्ञान हमने लिया है, और मैं तो सारी चीजें यहां बता देता, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इन सब सारी चीजों के बारे में मैं बता सकता हूं कि भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सारी दुनिया को। क्या कोई बात करेगा, बस हिम्मत के साथ हम लोगों को काम करने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।